हार्ली बना दिया आपने एवेंजर को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जयपुर राइड्स नीरज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो है हमारा 2020 का पहला वीडियो है, काफ़ी लेट हो गया। पता नहीं ऐसे जनवरी और फरवरी ये जो मंथ है ना, जल्दी से फुर से ही चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है? आज का जो वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और ये जो हमारी मॉडिफिकेशन सीरीज का एक अगला वीडियो, इस वाली सीरीज को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। ये वाली जो बाइक है एवेंजर 150, और इसको जो है हार्ले डेविडसन का इन्होंने पूरा लुक दिया है। ये देखो, ये वाली बाइक है, दिख रही है? ढंग से नहीं दिख रही, सिनेमैटिक्स दिखाएंगे। और पहले देखो हम कौन सी जगह पे, ओ व्यू देखो यार यहाँ से। तो अभी हम सोच रहे बाइक को जो है इधर से है ना, उस वाली साइड लेके जाएं, कैसा रहेगा? देख रहे हो पीछे पूरा डेजर्ट एरिया है। तो चले भाई साहब, और हमारे साथ है कुंवर कस्टम राकेश सिंह राठौर, और हमारी कैमरे वाले बाबा गौरव भाई। हाय हेलो कर दे यार, ऐसे क्या मूर्ति से बन के खड़े हो आप? ऑल राइट गाइस, तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी टाइम पहले, हम जो है उस वाली जगह पे थे, पीछे देख रहे हो मंदिर वगैरह देख रहे हो, और अभी आ गए यहाँ पे। देखो पूरा यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, क्या भाई साहब सीन है। देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान जगह है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ थे कैमरा वाले बाबा और राकेश भैया, जो कि उधर जाके पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं अभी बाइक की। वाली जो बाइक है वो है बजाज एवेंजर 150, जिसको कि हार्ले डेविडसन का इन्होंने लुक दिया है। हार्ले डेविडसन के अंदर इसको कस्टमाइज़ किया है, देख सकते हो आप। और बाइक को ऐसे क्या देखना, आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं अपन। राइट गए, तो यार आपने बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स तो देख लिए होंगे। तो अभी जो है हम बाइक की डिटेलिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसकी टंकी की। टंकी का लुक देखो आप सबसे पहले, तो एवेंजर की टंकी हटा के एक काफी शानदार टंकी बनाई है, और यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर हार्ले डेविडसन का लोगो। डबल सीट लगाई है, जो कि बैठने के अंदर काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। ये जो आप पीछे मडगार्ड देख रहे हो, ये वाला पूरा हैंडमेड है मडगार्ड। जो लाइट है, लाइट जो एवेंजर की ओरिजिनल लाइट है तो होती है, वो वाली लाइट लगी इसके अंदर। ये जो टायर है वो भी एवेंजर के ही है, और यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट लगाई हुई है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। इस साइड से अगर देखोगे तो ऐसे लगता है कि हवा के अंदर है नंबर प्लेट। लुक देखो आप भाई का क्या आ रहा है भाई। और बात करते इसके हैंडल की, हैंडल देखो आप, जो हैंडल है वो जो है पूरा कस्टमाइज़ किया हुआ हैंडल है, हैंडमेड है, कुंवर कस्टम ने अपने वर्कशॉप में इसको बनाया है। ये जो इंडिकेटर्स देख रहे हो, काफ़ी शानदार लुक देते हैं इसको सामने वाली साइड से। मीटर ये पूरा उसी का है, एवेंजर का ही मीटर है। टंकी के ऊपर आप ये वाली डिटेलिंग देखो, लाइनिंग भाई साहब क्या लग रही है। ये जो लाइन है आगे वाले मडगार्ड से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं बाइक के एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट जो आप देख रहे हो पूरा हैंडमेड बनाया हुआ एग्जॉस्ट, कोई भी मतलब बाहर से खरीदा हुआ एग्जॉस्ट नहीं है, सब कुछ हैंडमेड है इस वाली बाइक के अंदर। मेरे को तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है देखने में, दूर से इसका लुक देखो, और ये व्यू देखो भाई साहब कहाँ पर है हम। पूरा डेजर्ट एरिया है जिस जगह पर अभी हम लोग हैं, और वो सब जो है राकेश सिंह राठौर और कैमरा वाले बाबू वो देखो उधर कुछ कर रहे हैं। मैं भी उधर एक बार जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पे। ऑल राइट गाइस, जैसे कि हम आए तो थे यहाँ पर बाइक के सूट के लिए, बट यहाँ पे देखो एडवेंचर चल रहा है। पीछे देखो आप, मजा आया शानदार है। इस वाली जगह से अब चलते हैं मेन रोड पे, क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है बहुत ही ज्यादा धूप और थक भी गए भाई साहब, बहुत सारी बसड़ भी हो गई है यहाँ पर। बसड़ बहुत ज्यादा कर ली हम लोगों ने। आपने किए भाई साहब, बदमाश बच्चे हैं ये। ऑल राइट गाइस, तो यार अभी जो है हम लोग वो जो डेजर्ट एरिया था वहाँ से आ गए हैं मेन रोड पर, कब्रिस्तान। ये वाली जगह आपने पहले भी देखी होगी अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो। ठीक, हम आ गए अभी फिर से वहीं पर मेन रोड पर आ गए यार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी वहाँ पर।
तो अभी आपको मैं मिलवाता हूँ कुंवर कस्टम के जो ओनर है राकेश सिंह राठौड़ से। कहाँ हो आप? अच्छा कहाँ हो? ये है तो बताओगे हमें बाइक के बारे में कुछ? वैसे तो हमने सब कुछ बता दिया है, आप तो वहाँ पे मस्ती मार रहे थे। तो एक तो सबसे पहले बताओ बाइक की कॉस्ट क्या पड़ी है इसकी? कॉस्ट सर 35,000। 35,000 में हार्ली बना दिया आपने एवेंजर को? क्या बात है यार। और इसके बारे में कुछ डिटेलिंग में कुछ बता सकते हो? वैसे तो हमने सारी बातें बता दी है। डिटेलिंग में तो यही है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें नीरज ने आपको बताई होंगी, सारी की सारी चीज़ें हमारी हैंडमेड हैं और हैंडमेड के साथ साथ फंक्शनल है। ऐसे नहीं कि शो ऑफ के लिए और जैसे अपन ऐसे फैंसी लगा रखी, सब की सब चीज़ें अपनी फंक्शनल है, वर्किंग है और इजी टू ऑपरेट है। इवन तो आप ये देखोगे फ्यूल टैंक का जो कैप है, आप इसको देखोगे आप सिंगल की से इसको एक्सेस कर सकते हो, जो एवेंजर का ओरिजिनल कैप है। इवन तो जो आपके नॉब वगैरह ये सारे देखोगे, स्विचेज वगैरह हैं, ये सब कुछ अपने ओरिजिनल है, जैसे कि गाड़ी के अंदर आते हैं, आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। इवन तो सीट का एक आप देखोगे सीट हमारी क्या है, और ड्यूल पर्पज़ सीट है, आप इसको सिंगल सीटर भी राइड कर सकते हो और ये डबल सीटर भी आप कर सकते हो। ये यहाँ से निकल जाती है, तो आप इसको निकाल सकते हो, आप सिंगल सीटर भी इसको चला सकते हो, डबल सीटर भी चला सकते हो, दोनों ऑप्शन इसमें। ये बैकरेस्ट है, यहाँ पे पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट हमने दिया हुआ है, और ये पीछे आपका यहाँ पे नंबर प्लेट है, और ये यहाँ पे साथ में हमने इसके इंटीग्रेटेड टेल लाइट भी है। ये आपका जैसे वर्किंग भी करता है तो बिल्कुल इसके टच नहीं होता है, बिल्कुल साथ में रहता है सस्पेंशन के साथ में। और इसके जो सस्पेंशन है पीछे वाले, ये भी हमने इंक्लाइन किए हुए हैं, ये पीछे की तरफ शिफ्ट किए हैं, जिससे इसकी गाड़ी का पोस्चर क्या है, लो हो जाता है और गाड़ी ऐसे आप कंफर्टेबली आराम से इस गाड़ी को आप राइड कर सकते हो। और साइलेंसर्स वगैरह ये सब चीज़ें आपने देख ही ली कि अपना हैंडमेड साइलेंसर है। साइलेंसर से मेरे को याद आया यार, एक साइलेंसर की आपको आवाज़ तो सुनाई नहीं। आवाज़ नहीं सुनाई डूड, इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं फिर? अरे आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे दिखाऊंगा, आप देखना वीडियो में सब देखने को मिलेगा ये क्या कर रहे थे। साउंड सुनाते एग्जॉस्ट का और उसके बाद दिखाते रनिंग शॉट्स। गई तो यार इस वाली वीडियो कम करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको पसंद आई होगी और वीडियो, और इस वाली बाइक के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम यूजर हैंडल आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, बाय।